कि कौन किसका नाम लेता है यह वो जाने, उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, कोर्ट में जाकर तथ्य को पेश करें। लेकिन बिहार पुलिस ने अब नए तरीके का अनुसंधान भी किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी केस में गवाही भी होती है, केस का ट्रायल भी होता है। तो हो सकता है इसका एक्सपीरियंस ले रहे हो, अनुभव ले रहे हो कि वीडियो में बोलेंगे तो अनुभव होगा, चूँकि इनको एहसास होगा कि सरकार हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुकदमे का ट्रायल करें। साथ ही साथ कैसे बाहुबली लोग हैं जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने समाज का संकट बोला है, समाज का, और बाहुबली कहलाते हैं, तो पुलिस से डर रहे हैं, कानून से डर रहे हैं, तो छुरछुरी पटाखा है। अरे जिसको नैतिक बल होगा वो सामने खड़ा होगा, चाहे कोई कितना बड़ा आरोप क्यों नहीं लगा दे, हमारा नियत साफ है, नीति साफ है, तो दुनिया में कौन भाई का लाल है जो हमको कानून के माध्यम से डरा देगा, पुलिस के माध्यम से डरा देगा। तो जो खुद डरपोक है उसको मीडिया के लोग कहते हैं बाहुबली है। अरे ये सब कोई बाहुबली नहीं है, कोई बाहु में बल नहीं है। बाहु में बल रहता तो कानून का सामना करेंगे, पुलिस का सामना करेंगे, इस देश के अंदर संविधान बना हुआ है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुकाबला करेंगे। इसलिए इन लोग, चूंकि ये इनको उच्च न्यायालय ने इस समाज का संकट बताया है, तो वीडियो के माध्यम से अनुभव ले रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर मौका मिलेगा तो कैसे, चूंकि मनोहर पोथी तो आता नहीं है, कखा कखा आता नहीं है, 13-14 साल रह गए, तो इनको लग रहा होगा कि जिस व्यक्ति को आज तक NTPC बोलने लाया, अंटम PC बोलता हो, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते।